रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही और राहुल रात की बारिश में भीग रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और एक दूसरे को निहार रहे थे। तभी राहुल अपना जैकेट निकाल कर खुद को और आरोही को कवर कर लेता है और उसकी भीगी भीगी कमर को पकड़ कर उससे कहता है, आरोही आज हमारी मोहब्बत की पहली बारिश है। आई लव यू सो मच राहुल। आई लव यू टू। पता है आज ये बारिश का मौसम और ये बारिश मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, हमारा प्यार हमारे साथ है। चलो जल्दी से मेरे गले लग जाओ और आज उन पलों को फिर से महसूस करते हैं, जैसे हम मिले थे, हमारी बात हुई थी और फिर प्यार हुआ था। हाँ राहुल, आज हर एहसास को फिर से जीते हैं इन बारिश की बूंदों की तरह। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने बीते हुए पल के बारे में सोचने लगते हैं। आरोही के पास एक पुराने मॉडल का फोन था जो कि बार बार हैंग हो जाया करता था। ऐसे ही एक रात आरोही के फोन से एक राहुल नाम के लड़के को फेसबुक रिक्वेस्ट चली जाती है। दो दिन के बाद लड़का उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वो लड़का आरोही को मैसेंजर पर मैसेज करके बोलता है, हाय। हेलो, क्या आप मुझे जानती हैं? जी नहीं। तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा आपने? ओ हेलो, मैंने नहीं भेजी आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो तो मेरा फोन हैंग हो जाता है इसीलिए अपने आप ही चली गई। चलो अब रिक्वेस्ट आ ही गई है तो बात कर लो। और हाँ, अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई आपने? मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, समझे? और प्रोफाइल पिक तो तुमने भी नहीं लगा रखी। बड़ी ही अजीब लड़की है, पहले रिक्वेस्ट भेजा और अब बात ही नहीं कर रही। सच बोला है, अब तो मैं अजीब लग रहा है तो क्या ही करे। यूं ही दोनों एक दूसरे से मैसेंजर पर बात किया करते। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे बिना एक दूसरे को देखे हुए और मैसेज में बात करते करते राहुल और आरोही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन आरोही किसी काम से बाहर जा रही होती है कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में वो खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगती है और गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये बिन मौसम बारिश, उफ, मैं क्या करूं? आज तो मैं अपना छाता भी नहीं लाई, ऊपर से हर तरफ कीचड़, क्या करूं भगवान। तभी वहां पर एक पवन नाम का लड़का आता है और आरोही को अम्ब्रेला देते हुए कहता है, ये लो मैडम, देख रहा हूँ कब से भीग रहे हो आप। थैंक यू सो मच, अभी मुझे इस छाते की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे आपका फोन नंबर मिलेगा क्या, ताकि आपको आपका छाता वापस कर सको? हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं। वैसे आपका नाम? मैं आरोही। और आप? जी मैं पवन हूँ। ठीक है, अपना नंबर दे दो फिर मैं चलूँ। पवन उसको अपना फोन नंबर दे देता है। ऐसे ही दो दिनों के बाद पवन को आरोही फोन करती है और उससे बोलती है, हाय पवन, मैं आरोही बोल रही हूँ। हाँ कैसी हो? मैं सोच रही थी आज शाम को तुमसे मिल लूं, तुम्हारा अम्ब्रेला भी वापस कर दूंगी इसी बहाने। हाँ अभी तो मौसम देखकर लगता नहीं कि बारिश होगी। हाँ तभी तो कह रही हूँ कि मिल लो। इसी तरह शाम को दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ दोनों अपने खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे से लंबी बातचीत करते हैं। और आरोही को अचानक एक जरूरी काम याद आ जाता है। ऐसे में वो पवन से बात करके वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही आरोही रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, तभी बादल जोरों से गरजते हैं और नन्ही नन्ही ठंडी बूंदें आसमान से बरसने लगती है, जिसे देखकर आरोही रेस्टोरेंट के अंदर आकर बोलती है, ये बारिश ना कभी भी आ जाती है, अब हर जगह कीचड़ हो जाएगा। पवन उसको देखकर हंसते हुए उसके पास जाकर बोलता है, अरे तुम्हें तो कुछ जरूरी काम याद आ गया था ना, तो फिर तुम अचानक आ गई। हाँ, वो बाहर जाते ही बिन मौसम बरसात जो होने लग गई, मुझे वापस अंदर आना पड़ा। समझ गया मैं, तो तुम बारिश की बूंदों को फील नहीं करना चाहती। आखिर बारिश इतनी अच्छी और सुहानी होती है और तुम्हें बारिश पसंद नहीं, ऐसा क्यों? अरे होती होगी बारिश अच्छी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बारिश में कितना पानी जमा हो जाता है, छोटी छोटी तंग तंग गलियों में इतना कीचड़ हो जाता है, पता है पैर गंदे पानी में डूब जाते हैं, और ऊपर से ट्रैवल करते टाइम इतना ट्रैफिक, ओ माय गॉड। अच्छा तो ये बात है,
एक बार बारिश में भीग कर देखो, तुम्हें अपने आप ही इन बारिश की बूंदों से प्यार हो जाएगा। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरदस्ती बाहर ले जाता है और उसका हाथ पकड़कर बारिश में जमा हुआ पानी उसमें कूदने लगता है और उसका हाथ पकड़कर वो उसको बारिश में भीगते हुए डांस भी करवाता है, जिसके बाद आरोही को उसके ऊपर गिर रही आसमान से बूंदें अच्छी लगने लगती हैं। पर जब आरोही बारिश के मजे लेने लगती है कि तभी अचानक बारिश बंद हो जाती है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, भगवान आखिर आप चाहते क्या हो? जब तक मुझे बारिश पसंद नहीं थी तब आप बरसाए जा रहे थे, अब जब मैं उसको एंजॉय कर रही थी तो आपने बंद कर दिया, आखिर क्यों? क्यों हो गया ना तुम्हें भी बारिश से प्यार? हाँ, और इसके लिए थैंक यू सो मच। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते बदल कर घर चले जाते हैं और पवन और आरोही दोनों एक दूसरे के प्यार के ख्यालों में खोए रहते हैं। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्यार की घंटियां बजने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन आरोही अपने फेसबुक वाले दोस्त राहुल को मैसेज करती है और उससे कहती है, हाँ राहुल कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ? मैं बढ़िया, तुम बताओ यार। अच्छा एक बात बताऊँ? हाँ हाँ बताओ। यार तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना, तुम हमेशा मुझे अच्छा गाइड करते हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे प्यार हो गया है एक लड़के से। आखिर कौन है वो खुशनसीब? रुको मैं तुम्हें उसकी पिक भेजती हूँ। तभी आरोही उसे पवन की पिक देती है और उस पिक को देखकर राहुल कहता है, तू इससे प्यार करती है? हाँ यार। यार अच्छा नहीं लगा मुझे ये। ऐसे मत बोल। यार तू छोड़ दे इसको, लात मारी से। पागल है क्या तू? अच्छा रुक मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। राहुल उसको मैसेंजर वीडियो कॉल करता है। जब आरोही उसका कॉल उठाती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और राहुल से वो कहती है, पवन तुम? हाँ मैं। पर तुम तो राहुल हो ना? यार राहुल मेरा निकनाम है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि तुम वही आरोही हो जिसे मैं बारिश में मिला था और मुझे उसी बारिश में उस लड़की से मोहब्बत हो जाएगी। यार प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से यूं ही बातें करते हैं। ऐसे ही शाम को आरोही पवन से मिलने जाती है। कुछ ही देर तक वो उसका इंतजार करती है और रात हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पवन वहाँ आता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों रात की बारिश में भीग रहे होते हैं और एक दूसरे की आँखों में खोए होते हैं, साथ ही एक दूजे को निहार रहे होते हैं। तभी पवन उससे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपना बनाकर रखूंगा मेरी जान। इस तरह बीते पलों को याद करके दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं और इसके बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ ही समय के बाद अपने घर वालों की रजामंदी लेकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी बारिश की तरह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये मोहब्बत और बारिश की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसे लड़का और लड़की जिन्हें इस तरह मोहब्बत हुई हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।